राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी यशोदोस एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपको शनिवार को करने वाला अपने घर की जो आपकी अंतिम रोटी है उसका एक आपको अचूक टोटका उपाय देने वाली हूँ। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। कमेंट सेक्शन में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसका मैं आपको आंसर दूंगी। वो कौन भाग्यशाली है इसे जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एक हमको भी तसल्ली होती है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप शनि की साढ़े साथी झेल रहे हैं या आपको बार बार धन हानि हो रही है या बीमारियों ने आपके घर में डेरा डाला हुआ, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, या आपको कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है, या भाइयों के बीच में आपसी अनबन चल रहा है, आपके पति पत्नी में नहीं बनती है, या घर में धन आता ही नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है, इसके अलावा घर में कलह का वातावरण है, राहु केतु और शनि तीनों को शांत करने के लिए आज जो मैं आपको अचूक उपाय देने जा रही हूँ इसे आप अपने जीवन में अभिन्न अंग बनाकर उतार लीजिए। क्योंकि प्रतिदिन रोटियां हमारे घर में सभी के यहाँ बनती हैं, शाम के समय सभी के यहाँ रोटियां बनती हैं। हो सकता है आपके यहाँ कभी चावल कभी ब्रेड बन जाए, उससे इसका फर्क नहीं पड़ता है, आपके यहाँ जो बनाओ उसे भी हम डाल सकते हैं। तो किसे डालना है ये मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ दोस्तों। तो अगर आप इन सब समस्याओं से पीड़ित हैं तो आपको करना क्या है, आपके घर में जो भी रोटी बनती है, क्योंकि दोस्तों रोटी हमारे पेट भरने के लिए, क्योंकि हम जो भी दिन भर में जो भी कार्य करते हैं, जो भी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पेट के लिए कर रहे हैं। अगर ये हमारे पास पेट ना हो तो हमें ये सब करने की आवश्यकता ही ना हो। पेट है तभी हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में लगे हुए हैं, पेट नहीं हो तो सभी आलसी बने हुए पड़े रहेंगे। इस पेट की खातिर ही अपना पेट भरना है, अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा उनको जीवन देना है, एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, इसके लिए हम दिन रात एक कर देते हैं और रोटी तब हम बड़ी मुश्किल से मिलती है। कभी कभी तो ये हमारे भाग्य में नहीं होती तो पूरा दिन हम भूखे ही दौड़ते रहते हैं, हमारे पास निवाला आकर भी हमारे मुंह से चला जाता है। तो रोटी इतनी महत्वपूर्ण है, रोटी में इतनी शक्ति है, आपके वो बुरे से बुरे समय को भी काट देती है, आपको आपके राहु केतु और शनि की पीड़ाओं से भी मुक्ति दिलाती है। तो इसमें दोस्तों आपको आपके घर में जो भी खाना बना उसके बाद जो लास्ट रोटी है आपको एक रोटी बनानी है, उस रोटी पे आपको लास्ट में सेकने के बाद उसके बाद आपको उस तवे पे कुछ नहीं बनाना है। उसके बाद जो भी आप तवे पे बनाएंगे तवे को साफ माँझ कर यानी कि साबुन से घस कर साफ करके तभी बनाएं, उससे पहले उस पे रोटी बनने के बाद कुछ नहीं बनाना है। तो रोटी पर आपको थोड़ा सा 4-6 बूंद सरसों का तेल लगाना है, एक गुड़ का टुकड़ा, उसे पानी में थोड़ा सा मैश कर लीजिए और उसके ऊपर लेप लगा दीजिए। इसको आप एक कागज के चाहे दो अखबार पर चाहे प्लेट में रख कर रख दीजिए अलग। आप इसको मीठा भी बना सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं गुड़, तो थोड़ा सा इसके अंदर ही गुड़ आप कूट कर मिक्स कर दीजिए रोटी के अंदर और ऊपर से सरसों का तेल लगा दीजिए। अब जो व्यक्ति या तो बीमार है उसके सिर से, या आप लोगों में कलह कलेश बना रहता है उनके सिर से, या शनि की साढ़े साथी चल रही है उनके सिर से, या आपके यहाँ जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके सिर से और नहीं है, इस रोटी को पूरे घर में से घुमाकर आप पूरे घर में घुमा लीजिए। पहले आप लोग सभी भोजन कर लीजिए, भोजन करने के बाद कोई भी घर का एक व्यक्ति इस रोटी को ले जाकर घर के बाहर, चाहे तो कुत्ता दिख जाए तो कुत्ते को खिला दीजिए, अब मान लीजिए कुत्ता नहीं दिखता है तो इसको प्लेट सहित आप बाहर रखाइए। रात के समय चाहे कुत्ता खाए, चाहे बिल्ली खाए, चाहे पक्षी कीड़े मकोड़े खाएं, चाहे वहां से निकलने वाला कोई भी जानवर खाए इस रोटी, बस आपको ले जाकर कागज सहित कहीं पर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। इस एक छोटे से प्रयोग से जो व्यक्ति पीड़ित है उसके सिर से आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दीजिए, शनि की साढ़े साथ ही चल रही है उसके सिर से, बीमार है तो उसके सिर से,
या आपके घर में धन टिकता नहीं है तो आप अपने पूरे घर में घुमा दीजिए इस रोटी को ले जाकर, और अगर पढ़ाई में कोई बच्चा रह जा रहा है तो उसके सिर से। कहने का तात्पर्य, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसके सिर से, अगर आपके घर में केवल और केवल धन की कमी है तो पूरे घर में से घुमाकर इसको डेली आप रात के समय में अपने घर से बाहर रखना शुरू कर दीजिए। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं अगर कुत्ता नहीं मिलता है, कुत्ता मिल जाता है तब तो आप कुत्ते को डाल सकती हैं, कुत्ता नहीं मिलता उस स्थिति में आप इसको किसी भी कागज में रखकर आप वहीं पर रखा छोड़ाइए। रात के समय में कोई ना कोई पक्षी, कोई ना कोई पशु, बिल्ली, चींटियां, कोई भी इसको रोटी को खा लेगा, आपको ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस एक प्रयोग से शनि राहु केतु जन्य सारी पीड़ाएं आपकी शांत होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप जो भोजन रखने जा रहे हैं उसे कोई ना कोई जीवित प्राणी मात्र तो खाएगा ही खाएगा। अब वो जीवित प्राणी मात्र खाने के बाद जब उसकी तृप्ति होगी तो वो आपको अपने अंतर्मन से आशीर्वाद जरूर देगा। उसके जो आपको आशीर्वाद मिलेंगे उससे आपके ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आपका शनि ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपके धन के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके घर से दरिद्रता जाने लगेगी और माता माँ लक्ष्मी का निवास धीरे धीरे आपके घर में होने लगेगा। कलह का वातावरण भी शांत हो जाएगा। शनि की 7:30 और ढैया में जो मानसिक अशांति होती है उससे भी आपको निजात मिलने लगेगी। दोस्तों एक छोटा सा प्रयोग है, सभी के घर में रोटी बनती है तो अगर आप इस विधि से डेली रोटी निकालना शुरू कर दीजिए, आप ये मत पूछिए कितने दिन, करते रहिए निरंतर, क्योंकि ये तो टोटका है। आपके घर में अगर आपके घर में शनि राहु केतु तीनों शांत रहते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में सारे शुभ ग्रहों का फल तो आपको मिलता रहता है, नकारात्मक ग्रह का कोई भी असर आपके पास नहीं आता है, तो जीवन में सभी चीजें आपकी सोचे हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। दोस्तों जरूर कीजिएगा अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी कीजिए, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करती हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय ही लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो सबसे पहले आपका भाग्य आपको साथ देने लगता है। आपको इन प्रयोगों को, मेरा कोई भी आप प्रयोग करने जा रहे हैं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा है, मेरा तो कुछ नहीं होगा, दोस्तों इसके बाद ये आपके ये नकारात्मक शब्द आपके बनते हुए कार्य को भी बिगाड़ देते हैं और मेरे कोई भी प्रयोग आपके ऊपर असर नहीं करते हैं। कई लोग लिखते हैं कि मैडम हम तो रोज लिख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आप इसको पूरे सच्चे मन से लिखिए। सच्चे मन का अर्थ ये नहीं है, आप इसको लिखने के बाद एक गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने मन में सोचिए ये शब्द आपको प्रभाव दे रहा है और इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, फिर आप देखिए ये शब्द आपके ऊपर कैसे चमत्कारिक प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा, आप कैसे अधिक सकारात्मक हो जाएंगे, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, सोच पॉजिटिव हो जाएगी, ऑरा क्लीन हो जाएगी, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं आपकी बढ़ने लगेंगी। 3 जुलाई 2021 दिन शनिवार, आज का राहु काल है सुबह 9:15 से 10:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको अपने नहाने के पानी में एक कपूर की टिक्की लीजिए, उसे हाथ से मल लीजिए, मसल दीजिए, उसका चूरा बनाकर अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए। अब इस पानी से आप स्नान कर लीजिए। कैसा भी आपके जीवन में अगर विष दोष बन रहा है, आपको बहुत अधिक अनइजी फील हो रहा है, मन अशांत है, वो शांत हो जाएगा। आपके आज जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों आज का जादुई अक्षर है रमा वाला रा। इस तरह से रा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल से लिखिए और फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेट की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका राही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वह शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक व्हाइट कलर के पेपर पर ब्लू कलर के पेन से 6 नंबर लिखेंगे
और इस 6 नंबर को फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे अपने स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष भर सुविधा प्रदान करता रहेगा। दोस्तों वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखें। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और साथ में अपना एक क्वेश्चन लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। आप उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मुझसे ये चूड़ियाँ गिफ्ट में चाहते हैं कि मैं आपको चूड़ियाँ गिफ्ट में भेजूँ, उसके लिए आपको मेरा डेली वीडियोस देखने होंगे, पूरा वीडियो देखना होगा, लाइक जरूर करना होगा, कमेंट भी करना होगा, साथ में शेयर भी करना होगा। जब आप लगातार 20 दिन तक आपका मैं कमेंट देखूंगी, लाइक देखूंगी, मैं आपको आपसे एड्रेस मांगूंगी और आपको रैंडमली सेलेक्ट करूंगी, दो विनर चुनूंगी, उसमें से जिसका भी नाम प्रस्तावित होगा उससे मैं आपका एड्रेस लेकर आपको मैं ये चूड़ियाँ जरूर पोस्ट करूंगी। दोस्तों तो आप देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका, वो दोस्तों लिया है मैंने वंदना रानी का, 15/11/1986 2:32 AM रात के मनसा, सरकारी जॉब कब मिलेगी, आपकी कन्या लगने की कुंडली है, सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है, धन भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है और आपकी चंद्र की ही महादशा चल रही है। अभी आपके लिए सरकारी क्षेत्र में चांस ना के बराबर है। मैं आपसे कहूंगी आप प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई करते रहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप सरकारी जॉब में, तो इसके लिए आप तैयारी करते रहिए, अप्रैल के बाद में आप चांस ले सकते हैं सरकारी जॉब के लिए। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे कहूंगी कि आप प्राइवेट सेक्टर में ही अपनी जॉब को तलाश कीजिए। सरकारी जॉब में आपकी मिलने की संभावना कम है क्योंकि वहाँ चंद्रमा भी बैठा है अष्टम में, चंद्रमा अष्टम में बैठा है, सूर्य नीच राशि का बैठा है, जहाँ पर बुध और शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप प्रयास करते रहिए, साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते रहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा मानसिक तनाव ना हो। इस समय आप मानसिक तनाव झेल रहे हैं और ये आपकी दशा लंबी जाने वाली है, तो मैं आपसे कहूंगी आयु अवसर को हाथ से ना जाने दें। धन्यवाद दोस्तों। आप भी चाहते हैं कि आपको इसी तरह से आपकी समस्याओं का निदान मिलता रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।